जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता रहे हैं, देश में रेल यात्रियों की सुविधाओं और रेलवे स्टेशनों को विकसित करने हेतु अमृत भारत स्टेशन स्कीम लाई गई है, जिसके तहत स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा, जिसमें मंडला फोर्ट, चांदा फोर्ट, बालाघाट, नैनपुर, छिंदवाड़ा और सिवनी रेलवे स्टेशन शामिल है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1275 स्टेशनों को आधुनिक किया जाएगा, जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 15 स्टेशन इस योजना के तहत विकसित किए जाने हैं। देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करती है। इसका उद्देश्य पहचान किए गए स्टेशनों का मास्टर प्लान तैयार करना और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चरणों में इसका कार्यान्वयन करना है। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर श्री रवीश कुमार सिंह जी का कहना है कि एसईसीआर के तहत जिन 15 स्टेशनों की पहचान की गई है, उनमें गोंदिया, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, इतवारी, कामठी, आमगांव, भंडारा, तुमसर रोड, मंडला फोर्ट, वाडसा, चांदा फोर्ट, बालाघाट, नैनपुर, छिंदवाड़ा और सिवनी शामिल है। इससे पहले मंडल में कई सूचीबद्ध स्टेशन आधुनिक मॉडल और आदर्श स्टेशन योजना का हिस्सा थे, जिन्हें 2009 में अलग से घोषित किया गया था। लेकिन अमृत भारत स्टेशन योजना में नया क्या है? देखिए, अमृत योजना के तहत उन कारणों को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे यात्रियों की आवाजाही में आसानी, उनकी सुविधा और स्टेशन को आसपास के क्षेत्रों से जोड़ने में सुधार हो। आने वाले वर्षों में इन स्टेशनों का विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन समय समय पर स्वीकृत छत्रकारों के माध्यम से किया जाएगा। रेलवे को पहले ही सबसे ज्यादा 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय मिल चुका है। एसईसीआर सीनियर डीसीएम श्री रवीश कुमार सिंह जी का कहना है, अमृत भारत स्टेशन योजना में चिन्हित स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसमें प्रवेश द्वार का चौड़ीकरण, स्टेशनों में उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म और अधिक सर्कुलेटिंग एरिया होंगे, स्टेशन वेटिंग हॉल का विस्तार, सड़कों को चौड़ा करके अवांछित संरचनाओं को हटाकर उचित रूप से डिजाइन किए गए साइनेज, समर्पित पैदल मार्ग, सुनियोजित पार्किंग क्षेत्र, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, अप्रोच सड़क का चौड़ीकरण, पार्किंग क्षेत्र, स्टेशन की लैंडस्केपिंग, भू निर्माण आदि द्वारा सुचारू पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन के दृष्टिकोण में सुधार किया जाएगा। रवीश कुमार सिंह जी ने कहा, यह दीर्घकालिक का मास्टर प्लानिंग पर आधारित है और इसका कार्यान्वयन स्टेशन की जरूरतों और संरक्षण के अनुसार होगा। 25 साल के लिए इन स्टेशनों का खाका तैयार किया जाएगा। 15 फरवरी तक सलाहकारों की नियुक्ति कर दी जाएगी। इन सलाहकारों द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट फरवरी के अंत तक रेलवे बोर्ड को सौंपी जाएगी, जिसके बाद सभी कार्यों के लिए धन स्वीकृत किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि यह योजना नई सुविधाओं की शुरुआत के साथ साथ मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन और प्रतिस्थापन को पूरा करेगी। मास्टर प्लान को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। चरणबद्ध योजनाओं में उपयोगिताओं पर अधिक बल दिया जा रहा है। इस योजना में लागत कौशल सुधार की परिकल्पना की गई है और विस्तृत, अच्छी तरह से प्रकाशित, सौंदर्यपूर्ण रूप से मन भावन प्रवेश पोर्च का प्रावधान है। मौजूदा भवन उपयोग की समीक्षा की जाएगी और स्टेशन के प्रवेश द्वारों के पास यात्रियों के पक्ष में स्थान जारी किया जाएगा। रेलवे कार्यालयों को भी उपयुक्त रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत रेल सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। दोस्तों चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।